हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। तो ये जो सीरीज़ है ये 4 मार्च यानी परसों लॉन्च होने वाली है, और उससे पहले आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इन फ़ोन्स के बारे में ताकि आप एक बढ़िया बाइंग डिसीजन ले पाए, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी साइट्स पे सर्च किया और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये जो इन्फॉर्मेशन है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा ध्यान से लीजिए क्योंकि ये सारे लीक्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएंट्स कितने हैं इस सीरीज़ में। तो इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro 4G और Redmi Note 10 Pro 5G। सो जो 5G वाला वेरिएंट है वो सबसे टॉप मोस्ट है, और जो Redmi Note 10 है वो बेस वेरिएंट है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बात करते हैं Redmi Note 10 के बारे में। जो बेस वेरिएंट है, इस बेस वेरिएंट में 6.4 इंच का AMOLED पैनल आएगा 60 हर्ट्ज का, ठीक है। इसमें एक 33 वॉट चार्जिंग आएगा, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और इसमें प्रोसेसर आपको Snapdragon 678 का आएगा। तो ये जो प्रोसेसर है ये लेटेस्ट है Snapdragon 600 सीरीज़ में, और आपका एक काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है मिड लेवल में। आपको लो टू मिड लेवल गेमिंग बहुत ही स्मूथली होगी, बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रॉब्लम। डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल ही स्मूथ डे टू डे यूसेज होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर वैसे भी मिड लेवल का टॉप वेरिएंट है। तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली, डे टू डे यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन चलाओगे तो शायद 1-2 बार स्टटर हो, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें डुअल फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे आपको, एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। जो डुअल फायरिंग स्पीकर है एक काफ़ी अच्छा टच है, काफ़ी स्वीट टच है, मुझे तो लगता है काफ़ी बढ़िया है ये, ठीक है। इसके साथ आपको हेडफोन जैक ज़रूर मिलेगा, तो आपको हेडफोन जैक यूज़ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले वाले वेरिएंट में जो प्रो वेरिएंट है। इसमें Snapdragon 750G प्रोसेसर आएगा, क्योंकि ये 5G वेरिएंट नहीं है तो आपको एक थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर मिलेगा, बट 750G को थोड़ा ओवर ट्यून किया गया है, थोड़ा ओवर क्लॉक किया गया है ताकि गेमिंग आपकी बेटर हो। तो इसमें आपको गेमिंग मिड टू हाई लेवल में गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डे टू डे यूसेज में कोई स्टटर्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे। इसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का बताया जा रहा है, और ये AMOLED भी हो सकता है या ये हाई रिफ्रेश रेट LCD हो सकता है। तो इस पे जो है इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको इन दोनों में चॉइसेस मिल सकती है। अगर आप एक AMOLED वाले पर्सन हैं तो फिर आपके लिए वो इतनी अच्छी बात नहीं होगी, बट अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट पसंद है तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका चार्जिंग स्पीड और बैटरी सेम रहेगी। इसमें भी आपको ड्यूअल फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे। अब जो इसकी IP सर्टिफिकेशन है उस पर डाउटफुल है, क्योंकि Xiaomi ने दे रखा है कि हाँ IP सर्टिफिकेशन होगा हमारे फ़ोन में, बट वो 4G वेरिएंट में भी होगा या नहीं वो पता नहीं है। इसमें आपको एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। ये जो कैमरा है ये 5G वेरिएंट और 4G वेरिएंट दोनों में सेम रहने वाला है। बहुत ही गुड क्वालिटी कैमरा है, बिना कोई टेंशन के आप यूज़ कर सकते हैं। इस वेरिएंट में टॉप एंड में आपको 128GB का वेरिएंट मिलेगा, और 8GB रैम टॉप में मिल सकती है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फ़ोन रहेगा। क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, जो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर की, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है 700 सीरीज़ में। ऑब्वियसली 600 सीरीज़ से तो पावरफुल है ही है, बट ये Snapdragon 800 सीरीज़ के पास आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, गुड क्वालिटी प्रोसेसर है, और आपको कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन जनरल बिल्ड भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट है, 5G वेरिएंट है, जहाँ पर मैं श्योर हूँ कि ये फीचर्स आने वाले हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसमें आएगी आपको एक 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले आएगा, आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं आएगा। तो एक चीज़ याद रखने वाली बात है, बट जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत स्मूथ होने वाला है, क्योंकि इसमें आएगा 768G, ठीक है। तो जो 768G है वो बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है 700 सीरीज़ का, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आपको हाई लेवल गेमिंग करते वक्त कोई भी स्टटर नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, और जो 120 हर्ट्ज है वो आपका गेमिंग बहुत ही स्मूथ और फ्लूइड बनाएगा। इसके साथ अगर हम बात करेंगे बैटरी कंजम्पशन में भी इसका लो है, काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो डे टू डे यूसेज है, जो आपका UI है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, क्योंकि आपके पास 120 हर्ट्ज है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें भी वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो बहुत बढ़िया है, बट इसमें एक जो और एक फीचर है जो मनु जैन ने बताया था वो है सुपर मैक्रो। तो आपको मैक्रो के अंदर टेलीफोटो लेंस मिलेगा, तो आप मैक्रो को 2 टाइम जूम कर सकते हो। अब कौन लोग ये सब यूज़ करते हैं भगवान ही जानता है, बट हाँ आपको ये फीचर मिलेगा। तीनों फ़ोन्स में आपको एक चीज़ 100% श्योर है कि आपको डुअल स्पीकर्स मिलेंगे, जो आपका स्टीरियो सराउंड स्पीकर बोलते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो 5G वेरिएंट है, इसकी अगर मैं कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में बात करना, तो आपको IP52 सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ आपको फ़ोन मिलेगा। तो ये एक नई चीज़ है इस प्राइस ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मुझे लगती है, बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है। आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली LCD स्क्रीन में अंदर इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई यार इसमें। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों में एक स्पेशल चीज़, प्राइसिंग, राइट। तो आपका जो Redmi Note 10 है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 13,000 से 15,000 के बीच में। जो Redmi Note 10 Pro है 4G वेरिएंट, उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में, और जो आपका Redmi Note 10 Pro 5G है वो 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो Redmi Note 10 Pro 5G उसमें ये भी बोला जा रहा है कि एक स्पेशल वेरिएंट आएगा जिसके अंदर 256GB स्टोरेज होगी, तो वो वेरिएंट थोड़ा बाद में रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें थी आपको जानने के लिए ज़रूरी है। अब आपके लिए कौन से फ़ोन इसमें से लेने चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर आप एक सिर्फ डे टू डे यूसेज कर रहे हो, आपका सिर्फ वीडियो देखते हो, ज़्यादा काम नहीं करना है, मोबाइल पे वीडियो देखनी है, सोशल मीडिया देखना है, तो आपके लिए Redmi Note 10 भी चल जाएगा। बट आप बहुत गेमिंग करते हो, आपको रिफ्रेश रेट हाई ही चाहिए और आपको AMOLED लूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलूँगा 5G वाला वेरिएंट लीजिए। 5G वेरिएंट ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि आपको फ्यूचर प्रूफ हो जाता है फ़ोन, उसमें 120Hz का पैनल, तो आपको अगर फास्ट पैनल्स पसंद हैं तो आपके लिए बढ़िया चीज़ ज़रूर हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इन सब फ़ोन्स की लिंक जैसे ही वो रिलीज़ होंगे वीडियो के बॉटम में आपको मिल जाएगी, और इस पर एक रिव्यू भी मिलेगा जल्दी ही जब ये फ़ोन रिलीज़ हो जाएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइज़, बहुत हेल्प होगी, और मिलते हैं अगले वाले में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।